हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन जितने भी नीट 2022 के एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है यार। एंड ये गुड न्यूज़ सुन के स्पेशली वो स्टूडेंट्स ज़्यादा खुश होने वाले हैं जिनका 22 में जो स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा लो आ रहा है, ठीक है। और उनको नहीं लग रहा है कि उनको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, तो उन सभी के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ से इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऑफिशियल अपडेट है, बिल्कुल ऑफिशियल हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट है, जिसे सुनकर आपका काफी ज्यादा भला होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले देखते हैं उसी अपडेट को। बाकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी अपडेट रहेगा स्टेट वाइज वो आपको चैनल पर मिलता रहेगा, तो उसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए सीधा अपडेट की तरफ चलते हैं। तो अपडेट है द इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से 15 सितंबर 2022 को रात 10:25 पर यह न्यूज जारी की गई थी कि फीस इन 50% सीट्स इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज टू बी फिक्स्ड इन लाइनअप विद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाना गुप्ता, ठीक है। तो बाना गुप्ता जो कि एक स्टेट हेल्थ मिनिस्टर है, किस स्टेट के है वो मैं आगे बताता हूँ। उन्होंने बयान दिया है कि जो 50% सीट्स जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी 50% सीट्स पर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फीस लगने वाली थी, ये जो स्कीम लाई गई थी उसको हम अपने स्टेट में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और ऑफिशियली ये जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। अब ये किस स्टेट में इंप्लीमेंट हो रहा है, तो बाना गुप्ता जो है वो झारखंड स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो झारखंड स्टेट ने ये जो स्कीम है, यानी कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी जो भी सीट्स रहेगी उनकी 50% सीट्स पर जो फीस लगेगी वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के सेम लगेगी, और इस स्कीम को जो है वो झारखंड स्टेट ने अपने स्टेट में जो है वो लागू कर दिया है और ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिया है वहां के हेल्थ मिनिस्टर बाना गुप्ता जी ने। अब झारखंड स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनके लो मार्क्स आ रहे थे उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के रिस्पेक्ट में एजुकेशन थोड़ी अच्छी है और इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो प्राइवेट कॉलेज की तरफ वो प्रेफरेंस देंगे। आप भी अगर गवर्नमेंट की तरफ प्राइवेट जाकर जाते हैं तो आपको कम मार्क्स पर एडमिशन मिल जाएगा, एंड ज्यादातर स्टूडेंट्स अगर प्राइवेट की तरफ जाएंगे तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस है कट ऑफ है वो भी काफी कम जाने के चांसेस यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो एक अच्छी न्यूज है यार उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि इतनी ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो भी अब प्राइवेट कॉलेजेस में कम फीस पर एक अच्छी एजुकेशन जो है वो ले पाएंगे। हालांकि काउंसलिंग के रिगार्डिंग अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है, ना ही एनएमसी की तरफ से ना ही किसी भी स्टेट की तरफ से। पहले एनएमसी जारी करेगा ऑल इंडिया कोटा का शेड्यूल, उसके बाद ही बाकी सारे स्टेट्स जारी करेंगे। तो जैसे ही एनएमसी अनाउंस करता है उसकी जानकारी आपको चैनल पर मिल रहेगी। तो उसके लिए अगर आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना होगा ताकि इसी प्रकार की जो अपडेटेबल वीडियोस है, एजुकेशन वीडियोस है मेडिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग, वो आपको मिलती रहे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।